अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ मसाला चाय। ना मसाला चाय में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बताती हूँ। इसमें 3 टी बैग मैंने लिए हैं, लिप्टन के हैं, वो ज़्यादा डार्क होते हैं, तो इस वजह से अगर कोई और हो तो आप 4 भी ले सकते हैं कोई और ब्रांड, अगर ये है तो आप 3 ही लेंगे। और दालचीनी के 2 वो हैं, सिनेमन स्टिक्स 2 हैं हमारे पास, मतलब एक स्टिक है जिसको मैंने हाफ हाफ कर लिया है, और 1/2 टी स्पून मेरे पास ये इलायची पाउडर है, और ये सॉल्ट मतलब एक चुटकी नमक है बस, पिंच ऑफ सॉल्ट, और अदरक है आपके पास, जिंजर लिए मैंने, ये इस तरीके से काट ली, एक छोटी सी इसकी क्यूब्स थी उसको मैंने ऐसे काट लिया, ठीक है। और दूध है, दूध का आप ये देखें कि ये मेरे पास तो गाढ़ा दूध है, लेकिन अगर आप फ्रेश मिल्क की बना रहे हैं तो अगर आपने 2 मग्गे बनाने हैं ये, तो 1 मग्गा पानी होगा और 1 मग्गा दूध होगा। अगर आप सादे दूध के फ्रेश मिल्क की बना रहे हैं तो 1 मग्गा दूध और 1 मग्गा पानी, और अगर इसकी बना रहे हैं आप तो आपने ये मैंने लिया पानी, हम इसमें ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमें पानी ही पानी से पकेगा तो उसका टेस्ट आएगा। ये 2 हो गए, अब ये तो मेरे 2 हो गए चाय के, और ये मैं डाल रही हूँ 1/2 कप, गाढ़ा होता है ये बहुत, तो ये मैं 1/2 कप डाल रही हूँ दूध का, ये देखें कितना गाढ़ा है। और अगर आप फ्रेश मिल्क की बनाएं तो आप क्वांटिटी को डबल कर दें, और पानी भी ज़रा सा 1/2 मग्गा ज़्यादा रखें क्योंकि वो पकेगा, जितने भी ग्लास बना रहे हैं उससे 1/2 मग्गा ज़्यादा पानी रखें। 3 टी बैग गई, दालचीनी गई, इलायची पाउडर गया, अदरक जिंजर गई, और ये सॉल्ट गया थोड़ा सा। अब इसे हम चूल्हे पर रखते हैं, ये देखें मैंने चूल्हा जला दिया है, अब मैंने इसको सारी चीज़ों को डाल के रख दिया है। अब इसको मैं 10 मिनट तक ना हल्की आंच पे, इसको लो मीडियम फ्लेम पे इसको 10 मिनट तक पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसे ग्लासों में आपको निकाल के दिखाती हूँ। हाँ, ये देखें ये अपना चाय इतनी पक चुकी है ना, मीडियम उस पर, बिल्कुल हल्की उस पर थी आँच पर, तो मैंने इतनी कलर इसका देखें कितना अच्छा आया है। अब इसका ये करेंगे कि हम इसमें चीनी नहीं डाली थी, अब मैं इसमें ना 1 टी स्पून 2 टीस्पून, अब आप अपनी मर्जी से जैसा, वैसे तो 1 मग्गे में 1 टीस्पून डालिए, मगर कोई मीठा पीता है कोई फीका पीता है, लेकिन इसमें ये होता है कि चीनी जो नॉर्मली चीनी होती है उससे ज़रा से ज़्यादा 1 लेते हैं हम, तो ये अभी इसमें ये एक्स्ट्रा मैं डाल रही हूँ ताकि ये पकी हुई चाय है इसमें चीनी ज़रा से ज़्यादा होगी, जो 1 पीता है उसमें आप ज़रा से ज़्यादा डालें पकी हुई चाय में, वरना आप उसकी मर्ज़ी से डालें भाई, ठीक है। तो ये आप, मैं अब आपको चाय निकाल के दिखाती हूँ। हाँ जी, हमारी चाय तैयार है, ये देखें मसाले की चाय है, आप बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ना ये चाय, और थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।